बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि एक वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। एक खारजी भाई को मजाक के तौर पर दो सऊदी नौजवान ने भाई धक्का दिया है, तो उसकी वीडियो बनाई थी इस चीज़ की लेकर, और काफ़ी दिन पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मैंने उस टाइम भी ये वीडियो देखी थी, लेकिन अभी उन दोनों बंदों को गिरफ्तार किया गया है। मैं कल इसके मुतलक डिटेल पढ़ रहा था, तो मैंने वो सोचा इसके मुतलक मुकम्मल डिटेल आ जाए फिर ही आप भाई को साथ शेयर करूँगा। अच्छा, मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उन दो बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, अभी उनके ऊपर जो फाइन वगैरह है और वो गिरफ्तार कैसे हुई है अभी आपको आपके साथ क्लियर कर देता हूँ मैं। पहले मैं अपनी खुद की बात आपके साथ क्लियर करता चलूँ। भाई के सऊदी अरबिया में जो मेरे भाई मुकीम है, हम सबको पता है जी, मेरे खुद के साथ जो वाक्य एक दफ़ा पेश आया वो आपके साथ शेयर करूंगा जी। एक सऊदी था एक जगह पर, तो किसी बात को लेकर थोड़ी तलखलामी भी नहीं हुई है, ऐसे किसी बात को लेकर थोड़ी बहस हुई है, और उसने भाई मुझे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। आप यकीन करें कि मैं खुद की अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को थप्पड़ लगा है। तो मैंने फिर उसकी, मेरे साथ जो दूसरे बंदे और खड़े हुए थे उन लोगों ने फिर उसे पकड़ा है और उसे बोला वो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठा, गाड़ी उसने भगाई ले गया। अच्छा, छूटते मुड़ते को कॉल की हमने, वो आ गया, उसने पूछा सा वाक्य बताया। वो छूटता, आप यकीन करें, गालबन गालबन 2 घंटे उन गलियों में घूमता रहा है। और वो उसने नंबर वगैरह तो शायद मैं नहीं देख सका था, सॉरी। उसने ना वो गाड़ी का सारा हुड़िया शुड़िया मुझसे पूछ लिया। 2 घंटे मैंने देखा ही वो उन गलियों में घूमता रहा कि वो कहीं मुझे मिल जाए, लेकिन वो बंदा नहीं मिला था। लेकिन सऊदी अरब में ऐसे वाक़ात हो जाते हैं, तो अगर इन ऐसे वाक़ात की सूरत में चाहे खारजी है चाहे सऊदी है, उनके हाथ भाई लग जाए वो बंदा, फिर उसे भाई वो फिर छोड़ते नहीं है ऐसे। ये वीडियो अभी मैं आपको शायद दिखा रहा हूँ, आप पहले भाई वीडियो देख लें। إشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص ये एक गैर मुल्की बंदा है, मुझे या तो इंडियन लगता है या बंगाली भाई लगता है, तो हालांकि ब्लर की हुई है पिक्चर। अच्छा, माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक भी चेहरे पर है, बुजुर्ग शख्सियत है। तो इस सऊदी का काम देखने को उसे धक्का दिया है नीचे चलती हुई वादी में। वहां पर पानी था लेकिन कम था, ये शुक्र है। अगर पानी ज्यादा होता तो शायद ये बेचारा डूब भी जाता। लेकिन इन दोनों बंदों को गिरफ्तार किया गया। अभी गिरफ्तार कैसे किया गया कि इनमें से एक ने ये वीडियो भाई अपने स्नैपचैट वगैरह या टिकटॉक पर, ऐसी सोशल मीडिया अपने किसी अकाउंट पर शेयर की। जब ये वीडियो वायरल हुई, इसको सऊदियों ने भी देखा, सऊदियों ने इसके ऊपर भाई कमेंट वगैरह किए हैं, और फिर वजारत दाखिलिया की नज़र भी इस पर पड़ गई और उन्होंने भाई फिर कार्रवाई की है। इन दोनों बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया और सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू ही किया गया है। आप जो खारजी भाई यहां पर मुकीम है, सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं, तो भाई उन पर किसी किस्म की कोई भी ऐसी किसी को मारने की, धक्का देने की, या किसी और की पिक्चर चोरी या और किसी बंदे की चोरी से वीडियो बनाकर शेयर करनी, ये भी कानूनन जुर्म है जी। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इसका भी अच्छा खासा फाइन होता है, तो इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा। बाकी इन दोनों बंदों को अभी अच्छा खासा फाइन होगा और इस बंदे को पैसे भी दिलवाए जाएंगे इस खारजी भाई को इस हरकत को लेकर। सऊदी अरब के मतलब किसी भी और न्यूज़ के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी चीज़ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।